1990 में कितने कश्मीरी पंडित घाटी से निकले, इसे लेकर आज तक कोई पुख्ता आंकड़ा सामने नहीं आया है। दरअसल सरकारी आंकड़ों और चश्मदीद के आंकड़ों में भारी अंतर है। यही वजह है कि 30 साल बाद भी बहस जारी है कि आखिरकार संख्या कितनी थी उन कश्मीरी पंडितों की जो विस्थापित हुए। लेकिन इस बात में कहीं कोई शक नहीं कि एक कौम को अपने ही देश की मिट्टी से दरबदर होना पड़ा, ठोकरे खाने के लिए उसे छोड़ दिया गया। साल 1990 के मार्च और अप्रैल के दरमियान हजारों परिवार घाटी से भागकर भारत के दूसरे इलाकों में शरण लेने को मजबूर हुए। अगले कुछ महीनों में खाली पड़े घरों को जलाकर खाक कर दिया गया। जो घर मुस्लिम आबादी के पास थे उन्हें बड़ी सावधानी से बर्बाद कर दिया गया। 1990 में कश्मीर छोड़ने वालों में 90% कश्मीरी हिंदू थे, जिनमें बड़ी संख्या कश्मीरी पंडितों की थी। 1990 में कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए बनाए गए राहत कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हिंसा के चलते घाटी से कुल 44,167 परिवार भागने के लिए मजबूर हुए थे। इनमें से 39,782 परिवार हिंदुओं के थे, जबकि बाकी परिवार सिख, बौद्ध और मुस्लिम समुदाय से थे। 17 मार्च 2020 को जब संसद में ये सवाल पूछा गया तो गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 1990 के बाद से 64,951 कश्मीरियों के परिवार घाटी छोड़ चुके थे, जबकि जम्मू कश्मीर सरकार की वेबसाइट के मुताबिक घाटी में हिंसा के बाद लगभग 1.6 लाख से लेकर 3 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। माना जाता है कि सरकार की ओर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की संख्या ठीक से इसलिए नहीं बताई जा सकी क्योंकि उनके पंजीकरण की संख्या साल दर साल लगातार बढ़ती रही है। हिंसा और आतंकवाद के जिस दौर में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, जो यातनाएं सहनी पड़ी, वो हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। मैं हर अवसर पर कहता नहीं हूं, लेकिन वो पीड़ा मेरे मन में हमेशा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को लेकर हमेशा से काफ़ी संवेदनशील दिखे हैं। ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात की थी। दरअसल वो इस मुद्दे पर 1990 के दशक से ही सक्रिय है। घाटी में कश्मीरी पंडितों के पलायन और उसके बाद फैली मिलिटेंसी को लेकर वो शुरू से ही काफ़ी मुखर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी का ये वीडियो 1992 का है। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को चुनौती देते हुए उन्होंने 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया था। उनका यह 30 साल पुराना वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि आतंकवाद और उससे पीड़ित कश्मीर पंडितों के मुद्दे से वो लंबे समय से जुड़े हुए हैं। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस आएगा तो आतंकवादी उसके नाम लेंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।